हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी मेरी चना चाट की रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब बिलीव मी, जब मैं बचपन में बिल्कुल चने लाइक नहीं करती थी, जो कि हमारे ट्रेडिशनल चना चाट की रेसिपी होती है कि बॉईल करके चने बाउल में डाल लो, उसके ऊपर से फिर बॉईल पोटैटो डाल दो और उसके ऊपर फिर टमाटो और अनियन और इस तरह का करके, और वो सिंपल सा, वो मुझे उसकी टेक्सचर से ही कुछ होता था तो मैं नहीं खाती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को चना चाट पसंद थी, उन्होंने मुझसे फरमाइश की, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊं क्योंकि ताकि मैं भी खा लूं। तो मैंने अपनी ये वेरिएशन से इस तरीके से बनाई और मेरी जो तरकीब थी वो कामयाब हो गई और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई और मेरे मिलने वालों में जब जब मैंने बनाई उनको बहुत पसंद आई। अच्छा, अब आप देखें कि ये मैंने एक पैन लिया है जो कि मैंने चूल्हे पर रख दिया था और उसमें मैंने एक गिलास भर के पानी डाला है और उसके साथ मैंने लिया है 3 चम्मचे खाने के, यानी कि 3 टेबल स्पून फुल टोमेटो पेस्ट। अच्छा, इसके साथ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर या हल्दी पाउडर और इसके साथ मैं लूँगी 1 चाय का चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च और 1 ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप लोग अपने जायके के मुताबिक मसाला जात को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, आप लोग ये चने की चाट जो है ये थोड़ी सी तीखी और खट्टी, क्योंकि इसमें इमली भी डलेगी, तो ये ज़रा इसी तरह से सही लगेगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें मसाला जात कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 1 टीस्पून मैंने फुल जो है वो नमक डाला है और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, चने जो हैं वो मैंने कैन वाले लिए हैं, कैन के आप चाहें तो वैसे आप ओवरनाइट उसको पानी में भिगोकर सोडा डाल के रख सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2.5 खाने के चमचे यानी टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल जो आपके घर में हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो है तकरीबन 3 पाउंड चने हैं और इसको मैंने कैन के हैं, उसको मैंने इसको वॉश कर लिया है, इसका जो ब्राइन होता है ये ब्राइन के साथ होते हैं, थोड़ा सा पानी टाइप का जो होता है उसको आपको रिंस करके निकाल देना चाहिए, उसमें काफ़ी सॉल्ट होता है और उसको निकाल दिया है मैंने। अच्छा, ये जो चने हैं ये तकरीबन 70% गले हुए होते हैं तो इसको सिर्फ 15-20 मिनट ही लगेंगे कि ये रेडी हो जाएं। तो अगर आप कच्चे चने इस्तेमाल करते हैं, अच्छा मैं इसमें 1/2 ग्लास वाटर और डाल रही हूँ, तो तकरीबन मैंने इसमें सिर्फ 1.5 ग्लास पानी लिया है, इसी में ये तैयार हो जाएंगे। इसको मैंने अब चूल्हे पे छोड़ दिया है, जब तक हमने ये काम कर लेते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको हमें बारीक चॉप कर लेना है और इसके साथ मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू के साइज़, जैसा आपको लग रहा हो, मुझे तो मीडियम ही लगते हैं, अगर आपके साइज़ के लिहाज से लार्ज लग रहे हो तो आप इसी टाइप इसको देख लीजिए और आपके अपने ऊपर है, कुछ लोग आलू ज़्यादा खाते हैं कुछ कम है, तो आप आलू की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक मुनासिब उस मिकदार में आलू चाहिए जो कि मैं इतने ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ये है चने की चाट, आलू की चाट नहीं है, तो आलू सिर्फ उसका टेस्ट एनहेंस करेंगे। अच्छा, आलू को आपने पहले स्लाइस में कर लेना है और फिर इस तरीके से चॉप कर लेना है क्यूब्स के टाइप या छोटे स्लाइसेस में, तो इस तरह ये बहुत मोटे भी नहीं हो और बहुत पतले भी नहीं हो। एक और पानी मैंने एक बोल में डाला हुआ था ताकि आलू जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, उनका रंग चेंज हो जाता है, तो आप हमेशा जब भी काटें तो इसको पानी में डाल के रखें, क्योंकि हमें अभी आलू फौरन चने में नहीं डालने हैं, या तो आप फौरन ही किसी भी डिश में डाल रहे हों तो ओके है कि आप काटें और धोकर डाल दें, लेकिन अगर आपको 5-10 मिनट भी रखना है तो आप इसको पानी में डाल के रखें। अच्छा, अब मैं इसको कटिंग शीट से जो है प्याज भी एक प्लेट में डाल के रख दूँगी और जो आलू हैं वो मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं और अब हम दूसरा काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम साइड में कर देते हैं और हमें ले लेना है सब्ज मसाला जात, इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च हमें चाहिए, तो मैंने लिया है तकरीबन पुदीने की 10 से 12 पत्तियां और तकरीबन 1/2 हैंडफुल हरा धनिया लिया है जिसको हमें बारीक चॉप कर लेना है और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 7 से 8, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग टू आप जो भी टेस्ट है आपका स्पाइसी या कुछ, जो लोग ग्रीन मसाला जात नहीं खाना चाहते, लेकिन असल बात यह है कि अगर आप हर चीज़ को स्किप करेंगे तो फिर आपकी
और रेसिपी वो रहेगी भी नहीं। तो जिस तरीके से चीज़ें होती हैं उसको उसी तरीके से डाला जाए तो हमारा रिज़ल्ट भी 100% आता है। अगर मैं कहूँ हर धनिया स्किप कर दें, कोई प्याज स्किप कर दें, कोई टमाटर स्किप कर दें, तो फिर वो बात नहीं आती। तो जो मैं आपको बता रही हूँ अगर इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपका जो चना चाट है वो ज़बरदस्त सा तैयार होगा। और क्या कहते हैं, ये देखें, मैं बारीक बारीक इसको चॉप कर लूँगी तीनों चीज़ों को और इसको रख लूँगी। तकरीबन इस दौरान हमारे चने जो हैं वो तकरीबन उसको 8-10-15 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए। तो हमें चेक कर लेना है कि कितना पानी रह गया। ये देखें, पानी काफ़ी थोड़ा खुश्क हुआ है। अब इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी क्योंकि इसमें हमें आलू गलाने हैं। आलू तो बहुत जल्दी गल जाएंगे। तो देखें, पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख दूँगी, आंटिल जब तक ये आलू नरम ना हो जाए। और आप इसको चेक करते रहें क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप इसको छोड़ के भूल जाएं, वरना तो ये चने हैं ये चिपक जाएंगे। तो ये देखें, पानी जो है वो तकरीबन 70-75% ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब इसमें मैं ये जो इमली का पेस्ट डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, ये मैंने आपको, आप मेरी अगर चटनी वाली रेसिपी देखें तो मैंने आपको एक बॉटल दिखाई थी ना कि मैंने सादी इमली उबाल के और सादी इमली जो है वो छान के रख ली है, वो मैं मुख्तलिफ रेसिपी में यूज़ करूँगी। ये जो इमली थी ये इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ था, तो ये इस तरह की डिशों में यूज़ हो जाती है। तो अब ये देखें, ये मैंने 5 मिनट हो गए थे, आलू काफ़ी टेंडर हो चुके थे, तो मैंने इसमें अब ये देखें आलू हो चुके हैं, तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी है। और अब हमें चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको, इसके अंदर मैं डालूंगी सिरका जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इससे इसका ज़ायका बहुत अच्छा आएगा, खट्टा सा। और मुझे वैसे भी जो है सिरके का इस्तेमाल है वो काफ़ी करती हूँ अपनी डिशेस में। अच्छा, अब चूल्हा हमें बंद कर देना है क्योंकि जब हम हरा मसाला डालेंगे तो हमें चूल्हा बंद कर देना है, बस वो उसकी हीट में ही। और प्याज भी हमें कोई पकानी नहीं थी, जस्ट हमने मिक्स किया, इसलिए वो अच्छी रहेगी। अगर हम उसको पकाएंगे वो नरम सी हो जाएगी, उससे इतना मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। ये देखें, अब मैं चूल्हा बंद कर दिया है और हरा मसाला डाल दिया है और इसको हम चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बस हमारे चने तैयार हैं। कैसे लग रहे हैं? मज़ेदार लग रहे हैं ना? और बिलीव मी, जिस वक्त आप बनाते हैं, अगर राइट अवे उसी वक्त आप खाते हैं गरम गरम, तो आपको मज़ा आ जाता है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ऑलमोस्ट मैं कोई भी जो ये चीज़ें बना रही हूँ ये मैं इफ्तारी से थोड़ी पहले बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ और इफ्तारी की हमारी एक नई डिश हो जाती है। मेरे पास स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह तो पहले ही बने हुए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ीद इसको कैसे खाया जाता है। तो एक प्लेट में आप जैसे इस डोंगे में से ले लें, जैसे मैंने डिश रख दी अगर किसी के सामने, तो इस तरीके से आप इसको चने निकाल लीजिए, इसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा जो है, जैसे जो मैंने आपको, आप मेरी दूसरी रेसिपी देखिएगा दही पकौड़ियों वाली, तो आप उसमें से वो मीठे दही बने हैं, तो ये थोड़ा खट्टे और तीखे चने की चाट है। तो इसके साथ आप अगर दही बड़े साइड में थोड़े से डालेंगे और इसका दही थोड़ा सा ऊपर डाला है, इसके साथ हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी इमली जो कि सिंपल है, और मीठी, वो सॉरी, ये मीठी वाली डाल रही हूँ मैं, ये सिंपल वाली नहीं, जो मैंने मीठी इमली की चटनी बनाई थी ये मैं वो डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी। और इसके साथ मैं थोड़ा डालूँगी थोड़ी जो मेरी हरी चटनी मैंने बनाई थी थोड़ी सी वो डालूँगी, और थोड़ा सा मैं डालूँगी चाट का मसाला। तो आप देखें, इसमें मसाला जात पहले भी अंदर हैं और ऊपर से जब इसके ऊपर ये इस तरीके से तीखा डलेगा और ये चाट का मसाला और चटनी वगैरह, तो ये मज़ेदार से माउथ वाटरिंग कहना चाहिए कि चने तैयार हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मैं मिलूँगी अब आपको अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।